हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 22 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 22 हमें बताता है ट्रांसफर टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज। एक क्लास ऑफ पर्संस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है, मेंबर्स ऑफ अ क्लास यानी फैमिली मेंबर्स को मान लो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है जिनको एक पर्टिकुलर एज मिली, एज में वो मतलब पहुंच गए। ठीक है, इससे पहले हम लोग बेरा की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सो वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सच मेंबर्स, तो एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है उन मेंबर्स के फेवर में ओनली ऑफ अ क्लास एज शैल अटेन अ पर्टिकुलर एज। यानी कि कोई एक एज दे दी मान लो पर्टिकुलर कि भाई जब तुम इस एज के हो जाओगे तो तुम्हें इस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें इस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट चला जाएगा अगर तुम ये पर्टिकुलर एज अटेन कर लेते हो तो। सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्ट इन एनी मेंबर ऑफ द क्लास हु हैज नॉट अटेन्ड दैट एज। और अगर अब किसी उस क्लास के मेंबर ने, अगर किसी ने उतनी एज, जो एज मान लो 18 साल एज थी, ठीक है, अब अगर उसने वो एज अटेन नहीं करी तो उसमें वो इंटरेस्ट वेस्ट नहीं करेगा। तो इसे हम लोग अब एक बार समझ लेते हैं कि इसका क्या एग्जांपल हो सकता है। मान लो एक्स ने कहा, एक्स को देनी है प्रॉपर्टी वाई को, जेड को और पी को। ठीक है, एक्स को प्रॉपर्टी देनी है वाई को, जेड को, पी को। उसने कहा कि वंस You all will attain the age of 18 years. जब 18 साल के तुम सब हो जाओगे तो तुम्हें इस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट चला जाएगा, तो ये राइट वेस्ट हो जाएगा तुम लोगों में। अभी क्या हुआ, ये हो गया 18 साल का, वाई हो गया 18 साल का, ठीक है, पी भी हो गया 18 साल का, लेकिन Z की उम्र अभी 16 years ही है। तो अब क्या इन दोनों का भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा कि भाई Z की उम्र अभी 16 साल है तो क्या उसकी वजह से Y और P का भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा? नहीं, यही लिखा है आपके इसमें कि अगर एक मेंबर की अगर आपने एज नहीं अटेन की है जितनी एज उसको अटेन करनी चाहिए उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दोनों मेंबर्स का भी इंटरेस्ट आपने छीने या बाकी दोनों मेंबर्स का भी ट्रांजैक्शन फेल हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें सीधी सी बस इतनी बात होगी कि जेड का जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जेड का जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट नहीं करेगा, बस इतनी सी बात होगी कि जेड का जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट नहीं करेगा, यानी प्रॉपर्टी विल नॉट वेस्ट इन जेड। सिर्फ जेड को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बाकी इन दोनों को तो मिलेगी। अब जेड को कब मिलेगी, जब वो 18 साल की एज अटेन कर लेगा तब मिलेगी, लेकिन अभी क्या है, अभी वाई और पी ने 18 साल की एज अटेन कर ली तो उन्हें प्रॉपर्टी चली जाएगी उनके पास। ठीक है, तो समझ में आया क्या मतलब है इस वाले सेक्शन का? फिर से एक बार समझ लो कि एक क्लास ऑफ मेंबर्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है और ट्रांसफरर ने ये कहा है कि जब तुम एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लोगे तो तुम्हें ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसमें यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा ना, इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी वो एज, जो एज ट्रांसफरर ने बताई है कि वो एज अगर उस वक्त पर नहीं हुई है किसी एक मेंबर की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। ठीक है, जिसकी हुई है एज उन्हें तो प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेक्शन 22 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहना चाहता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।